वेलकम टू बेलेज किचन। चलिए आज हम बनाते हैं मैंगो पेनाकोटा। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 मैंगो जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, फ्लेवरलेस जेलेटिन पाउडर, वैनिला पाउडर, शुगर, 1/2 कप मिल्क, थिक क्रीम। सबसे पहले मैंगो को मिक्सर बाउल में डाल देता हूँ। अब इसमें शक्कर डाल देता हूँ और मिक्सर में इसका अच्छा प्यूरी बना लेता हूँ। प्यूरी रेडी है। एक ग्लास में थोड़ा सा मैंगो प्यूरी को मैंने पानी डालकर पतला कर लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं जेलेटिन। जेलेटिन पाउडर को अच्छी तरह से डिजोल्व कर लेते हैं। अब इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट गर्म कर लेते हैं। जेलेटिन अच्छी तरह से डिजोल्व हो गया है। अब इसको बाकी मैंगो प्यूरी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ग्लास में इस तरह से इसे डाल देते हैं। इस एंगल में इसे रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद मैंने फ्रिज से इसे निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। चलिए बनाते हैं इसका सेकेंड पोर्शन। पॉट में 1/2 कप दूध डालकर गर्म कर लेते हैं। इसमें शुगर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे वेनिला पाउडर और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दूध अच्छे से बॉयल होते ही इसमें डालेंगे जेलेटिन पाउडर और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। इसमें फ्रेश थिक क्रीम डालकर मिक्स कर लेते हैं। वेनिला मिल्क रेडी है। इसे ग्लास में इस तरह से पोर कर लेंगे। इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देता हूँ। मैंगो पेनाकोटा रेडी है। इसे मैंने मैंगो क्यूब्स, ब्लूबेरीज और वेफर फ्लावर के साथ गार्निश करके सर्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। टू वीव मोर डिलीशियस रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब बेलेज किचन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।